हे गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा डियन फिल्म में। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 एडल्ट कॉमेडी मूवीज के बारे में। इसके पहले मैं एक वीडियो टॉप 10 एडल्ट मूवीज के बारे में बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आगे के उसके टॉप 10 एडल्ट कॉमेडी के बारे में। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारी 10th नंबर की मूवी है जैक एंड जिल, या 2011 में रिलीज हुई थी। अगर इसकी रेटिंग की बात करेंगे तो 3.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगर आप एक फैमिली कॉमेडी ढूंढ रहे हैं तो यह आपके लिए है। इस मूवी की कहानी एक भाई बहन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैक एक एडवर्टाइजिंग निर्माता होता है जबकि जिल एक साधारण घरेलू महिला होती है। जैक अपनी बहन जिल को एक पार्टी से मिलवाने ले जाता है, तभी उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यह एक फुल फैमिली कॉमेडी फिल्म है जिसे आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा। हमारी 9th नंबर की मूवी है द डू ओवर, यह 2016 की मूवी है। इसे 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। गाइस, यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो अपने जिंदगी से पूरी तरह निराश हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं, लेकिन उनकी पास्ट के कुछ ऐसे काम होते हैं जो उन्हें बार बार पीछे खींच ले जाती है। इस मूवी को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हमारी 8th नंबर की मूवी है पिंक पैंथर, यह 2006 की मूवी है। इसे 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। यह एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी है। यह बहुत ही ज्यादा कॉमेडी भरी मूवी है जिसे देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप हर एक मिनट में हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की कहानी एक डिटेक्टिव के साथ शुरू होती है जिसे एक चोरी हुई कीमती रत्न को ढूंढना होता है। उसे ढूंढने के दौरान ही बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो ऑडियंस को और उसे बोर फील नहीं होने देती है। हमारी 7th नंबर की मूवी है ब्रूनो, ये 2009 में आई थी और इसे 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह एक कॉमेडी फिल्म है जो 2009 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी ब्रूनो, जो कि एक जर्मन जर्नलिस्ट है, वह एक इंटरनेशनल टेलीविजन का एक पत्रकार भी है जो सेलिब्रिटी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए अजीबोअजीब कंट्रोवर्सी करता रहता है और यही जनता को हंसाने का काम करती है। हमारी 6th नंबर की मूवी है वेगस वेकेशंस, यह 1997 की मूवी है। इसे 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो गाइस, यह एक एडल्ट फिल्म है जो 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी ग्रीसवॉल्ड परिवार के मेंबर के कैरेक्टर और रोमांचक यात्रा के ऊपर बेस्ड है जो उस फैमिली के सभी सदस्य वेगस वेकेशन की यात्रा पर जाते हैं। उनके लाइफ में बहुत ही रोमांच और उत्साह का एहसास करते हैं और उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है और वहीं पर बहुत सारी कॉमेडी होती है जो ऑडियंस को हंसाने का काम करती है। हमारे 5th नंबर की मूवी है द कैंपेन, या 2012 की मूवी है जिसे 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। यह एक कॉमेडी मूवी है जिसे आप देखेंगे तो आपको पक्का मजा ही आ जाएगा। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार जिसका नाम मेगा कैम ब्रेडी होता है और अपोजिट में एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम हार्गेंस होता है, जब ये दोनों चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने आते हैं तो चुनाव को जीतने के लिए ये दोनों नाटकी और कुछ अजीबोगरीब कारनामे करते हैं जिसे देखकर आप अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। हमारी 4th नंबर की मूवी है द वाटर बॉय, 1998 में रिलीज हुई थी, जिसे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी कहानी में हमें यह दिखाया गया है कि एक वाटर बॉय होता है जो पानी की सप्लाई किया करता है। एक बार वह एक फुटबॉल टीम को पानी देता है जिसके कारण उस टीम को बहुत ही फायदा होता है, मतलब वो टीम जीत जाती है। तो वह उस वाटर बॉय को अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं, फिर वह अपने आप को खिलाड़ी बनाने के चक्कर में लग जाता है। इस दौरान फिर वह ऐसे काम किया करता है जो ऑडियंस को बहुत ही हंसाने का काम करता है। इसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो हमारी 3rd नंबर की मूवी है हॉट ट्यूब टाइम मशीन, यह 2010 में रिलीज हुई थी और इसे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कुछ दोस्तों का एक ग्रुप होता है जिसमें से कुछ लोग उस हॉट ट्यूब टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल करते हैं और वह 1980 के दशक में चले जाते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी को फिर से जीने का मौका मिलता है, जिससे वहां पर वह खूब मजे करते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं।
हमारी सेकंड नंबर की मूवी है जस्ट गो विथ इट, या 2011 की मूवी है, जिसे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें यह दिखाया गया है कि एक चिकन टिक्का विक्रेता होता है जो एक झूठी शादी का ड्रामा करता है ताकि उसे अन्य लड़कियों के साथ रहने की आजादी मिल सके। एक बार जब वह गोल्फ खेलने जाता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसे अपनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह झूठी शादी का ड्रामा कर चुका है इसलिए इस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन अंत में झूठी शादी का पर्दाफाश हो जाता है। हमारी एक नंबर की मूवी है कमिंग टू अमेरिका, यह 1988 की मूवी है, इसे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी की कहानी हमें यह दिखाया गया है कि एक अफ्रीकन राजकुमार होता है जिसे सच्चे प्यार की तलाश होती है। वह अमेरिका आता है और यहाँ आकर रहने लगता है और यहाँ पर दोस्ती करता है और यहाँ पर एक आम आदमी की तरह जीवन बिताता है। अमेरिका आकर वह बहुत ही सारी कॉमेडी करता है और यहाँ आकर वह खूब मनोरंजन करता है और लोगों को हंसाने पर मजबूर कर देता है। तो गाइस, इस मूवी को एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो गाइस, यह रही टॉप 10 एडल्ट कॉमेडी मूवीज के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको इसमें से कोई भी मूवी देखना है तो आप इसे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें से आप कोई भी मूवी को चुनेंगे तो आप कभी निराश नहीं हो सकते, क्योंकि यह सारी ही मूवियाँ बहुत ही अच्छी मूवियाँ हैं जिसे देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग मूवीज और वेब सीरीज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।